क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलीनोमियल्स एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ आरडी शर्मा। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग यूज फैक्टर थ्योरम टू फाइंड वेदर पॉलीनोमियल जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पॉलीनोमियल एफ एक्स और नॉट। आपको एक पॉलीनोमियल दे रखा है एफ एक्स और आपको ये प्रूव करना है कि जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलीनोमियल और नॉट बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एफ एक्स लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस सिक्स। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, अगर हम इस पॉलीनोमियल की वैल्यू को अगर यहाँ डालेंगे और यहाँ डालने से इस पॉलीनोमियल की वैल्यू जीरो बन जाते, दैट मीन्स ये हमारा क्या कहलाएगा, इसका फैक्टर कहलाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जी एक्स को इक्वेट करेंगे बराबर जीरो के, जिससे हम एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकेंगे। तो ये हमारी वैल्यू क्या आ गई, 3। अब इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस पॉलीनोमियल में डालेंगे और देखेंगे क्या रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा नहीं आ रहा। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट अप करते हैं, तो एफ ऑफ 3 बराबर है 3 का होल क्यूब माइनस 6 3 का होल स्क्वायर प्लस 11 इंटू 3 माइनस ऑफ 6 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9 6 9 या 54 33 माइनस ऑफ 6 27 प्लस 33 आपका बन गया 60 माइनस ऑफ 60 डेट इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये वैल्यू डालने से इस पॉलीनोमियल की वैल्यू क्या बन रही है, 0 बन रही है। तो यहाँ पर आप लिखोगे देयरफोर जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पॉलीनोमियल एफ एक्स। तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखिए, एफ एक्स आपको दे रखा है पॉलीनोमियल, जी एक्स आपको दे रखा है और आपको ये प्रूव करना है कि जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स और नॉट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जी एक्स को इक्वेट करेंगे जीरो के, जिससे हम एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, माइनस ऑफ फाइव। यहाँ पर आपने सबसे पहले एफ एक्स लिखा 3x की पावर 4 प्लस 17x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 10। सबसे पहले हम इसी वैल्यू को, अब हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पर पुट अप करेंगे बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो एफ ऑफ माइनस फाइव बराबर है 3 टाइम्स माइनस फाइव की पावर 4 प्लस 17 माइनस फाइव की पावर क्यूब प्लस 9 माइनस फाइव की पावर 2 माइनस 7 इंटू माइनस ऑफ 5 प्लस माइनस 10। ये आपका बन गया 3 इंटू 6 टू 5 माइनस 17 इंटू 125 प्लस 9 इंटू 25 प्लस 35 माइनस ऑफ 10। ये आपका बन गया 1875 माइनस 2125 प्लस 225 प्लस 35 माइनस ऑफ 10। अब प्लस वाली टर्म को ऐड करेंगे तो आपको बनेगा 2135, माइनस वाली टर्म को ऐड करूँगा तो 2135। बोथ आर सेम टर्म विद अपोजिट साइन, दे आर कैंसिल आउट। तो आपका आंसर कितना आ गया, 0। मतलब ये वैल्यू डालने से आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो देयरफॉर जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पॉलीनोमियल एफ ऑफ एक्स। तो ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, आपको एक पॉलीनोमियल ले रखा है एफ एक्स, आपको प्रूव करना है कि जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स और नॉट। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने एफ एक्स लिखा एक्स की पावर 5 प्लस 3x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 15। जी एक्स को सबसे पहले इक्वेट करेंगे बराबर 0 के, तो x प्लस 3 आपका बन गया 0। तो डैट मीन्स x की वैल्यू क्या बन गई, माइनस ऑफ 3। अब हम इसी को क्या करेंगे, यहाँ पर पुट अप करेंगे तो आपका बनेगा एफ ऑफ माइनस 3 बराबर है माइनस 3 की पावर 5 प्लस 3 टाइम्स माइनस 3 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 3 माइनस ऑफ 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 प्लस 15। तो ये आपका बन गया माइनस 243 प्लस 3 इंटू 81 प्लस 27 माइनस 3 इंटू 9 माइनस 15 प्लस 15। तो माइनस 243 प्लस 243 प्लस 27 माइनस 27 माइनस 15 प्लस 15। अगर आप ध्यान से देखो तो दे आर कैंसिल आउट, ये भी आपका कैंसिल आउट, ये भी आपका कैंसिल आउट। तो आपका कितना आ गया आंसर, 0 आ गया। दैट मीन्स ये वैल्यू डालने से इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो देयरफॉर जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ
एफ एक्स, तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट बात देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर आपको पॉलीनोमियल दे रखा है एफ एक्स, आपको प्रूव करना है कि जी एस इज अ फैक्टर ऑफ दिस और नॉट। तो सबसे पहले हमने जी एक्स को इक्वेट किया बराबर जीरो के, तो x माइनस 7 बराबर हो गया 0, तो x की वैल्यू क्या बन गई 7। अब हम इसी वैल्यू को पुट अप करेंगे इस पॉलीनोमियल में, तो सबसे पहले हम एफ एक्स लिखेंगे बराबर है एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 84। एफ ऑफ 7 बराबर है 7 का होल क्यूब माइनस 6 टाइम्स 7 का होल स्क्वायर माइनस 19 इंटू 7 प्लस 84। तो ये आपका बन गया 343 माइनस 294 माइनस 133 प्लस 84। तो प्लस वाली टर्म को ऐड अप करेंगे तो 343 प्लस 84 माइनस 294 माइनस 133, तो ये आपका बन गया 427 माइनस ऑफ 427 दैट इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर अब बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम ये वैल्यू डालने से इसकी वैल्यू 0 है, दैट मीन रिमाइंडर आपका कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो देयरफॉर एक्स माइनस 7 इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स, तो ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर आपको एफ एक्स दे रखा है दिस, जी एक्स आपको दे रखा है 3x माइनस 2। बाय फैक्टर थ्योरम आपको ये प्रूव करना है कि जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स और नॉट। तो सबसे पहले हमने जी एक्स को इक्वेट किया बराबर 0 के, तो 3x माइनस 2 बराबर 0 है, तो 3x बराबर 2, तो x की वैल्यू क्या बन गई 2 बाय 3। तो अब हम इसी वैल्यू को यहाँ पुटअप करेंगे और देखेंगे कि क्या ये वैल्यू डालने से इस पॉलीनोमियल की वैल्यू 0 आ रही नहीं आ रही। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एफ एक्स लिखेंगे 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 12। एफ ऑफ 2 बाय 3 बराबर है 3 टाइम्स 2 बाय 3 का होल क्यूब प्लस 2 बाय 3 का होल स्क्वायर माइनस 20 इंटू 2 बाय 3 प्लस 12। तो ये आपका बन गया 3 टाइम्स 8 बाय 27 प्लस 4 बाय 9 माइनस 40 बाय 3 प्लस 12। इसको कैलकुलेट किया तो आपका बना 8 बाय 9 प्लस 4 बाय 9 माइनस 40 बाय 3 प्लस 2। हम होल एलसीएम लेंगे तो आपका बनेगा 9, तो 8 प्लस 4 माइनस 120 प्लस 108, तो ये आपका बन गया 120 माइनस 120 अपॉन 9 दैट इज इक्वल टू 0। तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। तो देयरफॉर 3x माइनस 2 is a factor of एफ एक्स, तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखिए, पार्ट नंबर 6, आपको पॉलीनोमियल दे रखा है एफ एक्स और आपको प्रूव करना है कि जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स और नॉट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जी एक्स को इक्वेट करेंगे 0 के, तो 3 माइनस 2x आपका हो गया 0, तो 2x आपका बन गया 3, तो x की वैल्यू क्या बन गई 3 बाय 2। अब हम इसी वैल्यू को पुटअप करेंगे इस पॉलीनोमियल में और देखेंगे कि क्या ये वैल्यू डालने से इस पॉलीनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है नहीं आ रही। तो सबसे पहले हम एफ एक्स लिखेंगे, तो 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 12। तो वैल्यू पुटअप करेंगे एफ ऑफ 3 बाय 2 बराबर है 2 टाइम्स 3 बाय 2 का होल क्यूब माइनस 9 3 बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 बाय 2 प्लस 12। तो ये आपका बन गया 2 टाइम्स 27 बाय 8 माइनस 9 इंटू 9 बाय 4 प्लस 3 बाय 2 प्लस 12। तूने 8 को कैंसिल आउट किया तो आपको बन गया 27 बाय 4 माइनस 81 बाय 4 प्लस 3 बाय 2 प्लस 12। अब हम होल कॉमन एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा नीचे 4, तो ये आपका बनेगा 27 माइनस 81 प्लस 6 प्लस 38। 81 माइनस 81 बाय 4 दैट इज इक्वल टू 0 बाय 4, तो ये आपका क्या बन गया 0। तो दैट मीन्स रिमाइंडर क्या आ गया आपका 0। तो यहाँ पर आप लिखोगे 3 माइनस 2x इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स, तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट बात देखिए, आपको एक पॉलीनोमियल दे रखा है एफ एक्स और आपको प्रूव करना है कि जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ एक्स और नॉट। और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखिए तो जी एक्स आपको यहाँ पर क्वाड्रेटिक दे रखी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे बाय यूजिंग मिडल स्प्लिट टर्म। तो यहाँ पर हम जी एक्स लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2,
आपको 2x² बनाना है विद दी हेल्प ऑफ -3x, तो -2x -x+2, तो ये आपको बन गया x कॉमन आया तो x -2, इन दोनों में से -1 कॉमन लोगे तो अंतर बचेगा आपका x -2, तो ये आपका बन गया x -1 और x -2। अब इस पॉलीनोमियल में हमें कौन सी वैल्यू पुटअप करनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को 0 के इक्वेट करेंगे तो जी एक्स बराबर है 0, तो x -1 बराबर है 0 और x -2 बराबर 0, तो एक x वैल्यू आ गई 1 और एक x वैल्यू आ गई 2। अब 1 by 1 हम दोनों वैल्यू को पुटअप करेंगे इस पॉलीनोमियल में और देखेंगे कि क्या ये वैल्यू डालने से इस पॉलीनोमियल की वैल्यू 0 आ रही नहीं आ रही। तो सबसे पहले हम f(1) डालेंगे, तो आपका बनेगा 1 - 6 + 11 - 6, तो आपका बन गया 12 - 12, डेट इज इक्वल टू 0। देयरफॉर एक्स माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ fx। अब हम इस पॉलीनोमियल में 2 वैल्यू डालेंगे, तो आपका बनेगा f(2) बराबर है 2³ - 6 × 2² + 11 × 2 - 6, तो आपका बन गया 8 - 24 + 22 - 6, तो 8 + 22 = 30 - 30 बराबर है 0। तो देयरफॉर x - 2 इज ए फैक्टर ऑफ fx, तो ये दोनों ही फैक्टर आ रहे हैं, तो देयरफॉर x² - 3x + 2 इज ए फैक्टर ऑफ fx। तो ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट x - 2 x + 3 x - 4 आर द फैक्टर ऑफ दिस पॉलीनोमियल। तो सबसे पहले हम इस पॉलीनोमियल को fx लेट कर लेते हैं, तो fx बराबर है x³ - 3x² - 10x + 24। सबसे पहले आपको प्रूव करना है कि x - 2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलीनोमियल, तो सबसे पहले हमने x - 2 को इक्वेट किया 0 के, तो दैट में x वैल्यू क्या बन गई 2। तो हम इस पॉलीनोमियल में वैल्यू डालेंगे 2, तो आपका बनेगा 2³ - 3 × 2² - 10 × 2 + 24, तो ये आपका बन गया 8 - 12 - 20 + 24, तो आपका बन गया 32 - 32, डेट इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x - 2 इज ए फैक्टर ऑफ fx। अब सेकेंड वैल्यू आपको दे रखा है x + 3, तो x + 3 दैट मीन्स x की वैल्यू क्या बनेगी -3। तो अब इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस पॉलीनोमियल में डालेंगे, तो आपका बनेगा f(-3) बराबर है -3³ - 3 - 3² - 10 × -3 + 24, तो ये आपका बन गया -27, ये आपका बन गया -27 + 30 + 24, तो आपका बन गया -54 + 54, दैट इज इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स यहाँ पर आप लिखोगे x + 3 इज ए फैक्टर ऑफ fx। नेक्स्ट वैल्यू आपको दे रखी है x - 4 बराबर 0, तो x वैल्यू क्या बनेगी 4। तो अब हम इसी वैल्यू को क्या करेंगे, पुटअप करेंगे, तो आपका बनेगा f(4) बराबर है 4³ - 3 × 4² - 10 × 4 + 24, तो ये आपका बन गया 64 - 48 - 40 + 24 = 88 - 88, डेट इज इक्वल टू, तो यहाँ पर आप लिख दोगे x - 4 इज ए फैक्टर ऑफ fx। तो ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, शो दैट x + 4 x - 3 and x - 7 आर फैक्टर ऑफ दिस पॉलीनोमियल और नॉट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पॉलीनोमियल को fx लेट करेंगे, तो आपका बनेगा x³ - 6x² - 19x + 84। तो सबसे पहले हम प्रूव करेंगे कि x + 4 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलीनोमियल और नॉट। तो x + 4 को सबसे पहले इक्वेट किया 0 के, तो x वैल्यू क्या बन गई -4। अब हम इसी वैल्यू को क्या करेंगे, इस पॉलीनोमियल में पुटअप करेंगे, तो आपका बनेगा f(-4) बराबर है -4³ - 6 - 4² - 9 × -4 + 84, तो ये आपका बन गया -64 - 96 - - प्लस, तो ये आपका बन गया 76 + 84, तो 160 - 160, डेट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप लिखोगे देयरफॉर x + 4 इज ए फैक्टर ऑफ fx। अब नेक्स्ट आपको प्रूव करना है
एक्स माइनस थ्री, तो यहाँ पर आप वैल्यू डालोगे एफ ऑफ थ्री, तो आपका बनेगा थ्री का होल क्यूब माइनस सिक्स टाइम थ्री का होल स्क्वायर माइनस 19 इंटू थ्री प्लस 84, तो ये आपका बन गया 27 माइनस 6 इंटू 9 माइनस 57 प्लस 84. तो कैलकुलेट करके करेंगे तो 27 माइनस 54 माइनस 57 प्लस 84, तो ये आपका बन गया 111 माइनस 111 डैट इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर आप लिख दोगे x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स. नेक्स्ट आपको डालना है एक्स माइनस 7 डैट इज इक्वल टू 7, तो एफ ऑफ 7 आपका बनेगा तो 7 की पावर 3 माइनस 6 इंटू 7 का स्क्वायर माइनस 19 इंटू 7 प्लस 84, तो ये आपका बन गया 343 माइनस 294 माइनस 133 प्लस 84 डैट इज इक्वल टू 427 माइनस 427, तो ये आपका क्या बन गया 0. तो यहाँ पर आप लिखोगे देयरफॉर x माइनस 7 इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स, तो ये हो गया आपका आंसर. क्वेश्चन नंबर 10, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a सच दैट x माइनस 5 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलीनोमियल. यहाँ पर आपको एक पॉलीनोमियल दे रखा है एफ एक्स बराबर है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 10, और यहाँ पर आपको गिवन है कि एक्स माइनस 5 इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स. इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ डालूँगा तो ये रिमाइंडर क्या देगा, 0 देगा. ये आपको कंडीशन क्या दे रखे, गिवन. तो अब हम इसी वैल्यू को एक्चुअल में यहाँ डालेंगे और मिसिंग वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तो आपका बनेगा 5 का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स 5 का होल स्क्वायर प्लस a इंटू 5 माइनस 10 बराबर है 0. तो 125 माइनस 25 इंटू 3 75 प्लस 5a माइनस 10 बराबर है, तो आपका बन गया 125 माइनस 85 प्लस 5a बराबर है 0. में से 85 गए आपका बन गया 40 बराबर है 0. तो 5a इज इक्वल टू माइनस ऑफ 40, तो a आपका कितना आ गया माइनस ऑफ, तो ये हो गया आपका फाइनल. क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ a सच दैट x माइनस 4 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलीनोमियल. आपको एक पॉलीनोमियल दे रखा है एफ एक्स 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस ऑफ ए एक्स माइनस 28. आपको यहाँ पर गिवन है x माइनस 4 इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स. इसका मतलब ये है कि अगर मैं वैल्यू 4 डालूंगा इस पॉलीनोमियल में तो ये रिमाइंडर क्या देगा, 0 देगा. दैट मीन्स एफ ऑफ 4 बराबर है 0 के. ये चीज़ आपको गिवन है. अब हम इसी वैल्यू को यहाँ एक्चुअल में डालेंगे और मिसिंग वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तो आपका बनेगा 7 टाइम्स 4 का होल स्क्वायर माइनस 4a माइनस 28 बराबर है 0. तो आपका बन गया 5 इंटू 64 माइनस 7 इंटू 16 माइनस 4a माइनस 28 बराबर है 0. तो ये आपका बन गया 320 माइनस 112 माइनस 4a माइनस 28 बराबर है 0. 320 माइनस 140 माइनस 4a बराबर है 0. 180 माइनस 4a बराबर है 0. तो आपका 4a किसके बराबर आ गया, 180 के. तो a आपका क्या बन गया, 180 अपॉन 4. 2 से कैंसिल आउट किया, अगेन आपने 2 से कैंसिल आउट, तो a की वैल्यू क्या बन गई, 45. तो ये हो गया आपका फाइनल. क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलीनोमियल. आपको एक पॉलीनोमियल दे रखा है एफ एक्स बराबर है 4x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5 ऑफ a. आपको यहाँ पर गिवन है x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स. दैट मीन्स अगर मैं माइनस 2 इस पॉलीनोमियल में डालूंगा तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा. ये चीज़ आपको क्या दे रखी है, गिवन. तो हम एक्चुअल में यहाँ वैल्यू डालेंगे और मिसिंग वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तो आपका बनेगा 2 टाइम्स माइनस 2 का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 8 इंटू माइनस ऑफ 2 प्लस 5a बराबर है 0. 4 इंटू 16 प्लस 2 इंटू माइनस ऑफ 8 माइनस 3 इंटू 4 माइनस 16 प्लस 5a बराबर है 0. 64 माइनस 16 माइनस 12 माइनस 16 प्लस 5a बराबर है 0. तो आपका बन गया 64 माइनस 44 प्लस 5a बराबर है 0.
ट्वेंटी प्लस फाइव ए बराबर है जीरो, तो फाइव ए आपका क्या बन गया माइनस ऑफ ट्वेंटी, तो ए आपका क्या बन गया माइनस ऑफ फोर। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एक्स माइनस थ्री इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलीनोमियल। आपको एक पॉलीनोमियल दे रखा है एफ एक्स बराबर है के स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस थ्री के एक्स माइनस ऑफ के। आपको यहाँ पर गिवन है एक्स माइनस थ्री इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स, दैट मीन्स अगर मैं एक्स की वैल्यू थ्री यहाँ पर डालूंगा तो ये पॉलीनोमियल को क्या बना देगा जीरो बना देगा, मतलब रिमाइंडर आपको जीरो देगा। अब हम इसी वैल्यू को यहाँ पुट अप करेंगे और मिसिंग वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तो आपका बनेगा के टाइम थ्री का होल स्क्वायर प्लस थ्री के इंटू थ्री माइनस ऑफ के बराबर है जीरो। तो आपका बन गया 27 के स्क्वायर माइनस 9 के प्लस 9 के माइनस के बराबर है जीरो। माइनस 9 के प्लस के कैंसिल आउट, तो आपका बन गया 27 के स्क्वायर माइनस के बराबर जीरो। दोनों में से के को सबसे पहले कॉमन लोगे तो आपका बनेगा 27 के माइनस 1 बराबर है जीरो। अब के को यहाँ डायरेक्टली जीरो नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आपके के की दो वैल्यू आएंगी, के बराबर जीरो 27 के माइनस 1 बराबर जीरो। एक वैल्यू आपकी बनगी के बराबर जीरो और एक के की वैल्यू क्या बनगी 1/27। तो ये दोनों आंसर आपके फाइनल कराएंगे, तो ये हो गया आपका फाइनल। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलीनोमियल। यहाँ पर आपको एफ एक्स दे रखा है ए एक्स की पावर 4 प्लस 2 एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 4, और एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम लेट कर लेते हैं जी एक्स। और यहाँ पर बोल रहे हैं कि जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स, डैट मीन्स इसी वैल्यू को अगर मैं यहाँ डालूंगा तो ये इसको क्या कर देगा सेटिस्फाइड। पर यहाँ पर क्वाड्रेटिक है तो सबसे पहले इसको मैंने लीनियर बनाया, तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आपका बन गया एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2। अब 1/1 हम इन दोनों को लेंगे और यहाँ पर पुटअप करेंगे और दो इक्वेशन बनाएंगे इन टर्म ऑफ ए एंड बी, और देन उसको फाइंड आउट करेंगे ए और बी की वैल्यू। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लिखोगे एक्स माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स, तो दैट मीन्स एफ ऑफ 2 वैल्यू क्या होगी जीरो होगी। तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप करोगे तो आपको बनेगा ए टाइम्स 2 की पावर 4 प्लस 2 टाइम्स 2 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस बी इंटू 2 माइनस 4 बराबर जीरो। तो आपका बन गया 16 ए प्लस 16 माइनस 12 प्लस 2b माइनस 4 बराबर है जीरो। तो ये आपका बन गया 16a 16 माइनस 12 और ये माइनस 4 कैंसिल आउट, तो प्लस 2b बराबर है जीरो। तो 2 कॉमन लिया तो आपका बन गया 8a प्लस b बराबर जीरो। तो यहाँ पर आपके 8a प्लस b किसके बराबर आ गया जीरो के। तो अब इसको क्या मान लोगे फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड आपको दे रखा है x प्लस 2, तो यहाँ पर आप लिखोगे x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स, तो मतलब एफ ऑफ माइनस 2 वैल्यू डालेंगे तो आपका बनेगा a टाइम्स माइनस 2 की पावर 4 प्लस 2 माइनस 2 का होल क्यूब माइनस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 4। तो आपका बन गया 16a माइनस ऑफ 16 माइनस 12 माइनस 2b माइनस ऑफ 4। तो आपका बन गया 16a माइनस 2b माइनस ऑफ 32। अब f ऑफ माइनस 2 आपको क्या दे रखा है जीरो, तो आपका बन गया 16a माइनस 2b माइनस 32 बराबर है जीरो के। तो 16a माइनस 2b बराबर हो गया 32 के, 2 आपने कॉमन लिया तो 8a माइनस b बराबर आ गया 16 के। तो ये आपकी बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे और a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अब दोनों इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं, तो ऐड 1 एंड 2, तो 8a प्लस b बराबर है 0, 8a माइनस b बराबर है 16। दोनों को ऐड किया तो साइन आपके सेम रहेंगे, तो 16a बराबर है 16, तो a की वैल्यू क्या बन गई 1। अब इसको आप किसी भी इक्वेशन में पुटअप कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर पुट इन फर्स्ट कर रहा हूँ, तो आपका बनेगा 8 प्लस b बराबर 0, तो b आपका कितना आ गया माइनस ऑफ 8। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड अल्फा एंड बीटा इफ x प्लस 1 एंड x प्लस 2 आर फैक्टर ऑफ दिस पॉलीनोमियल। यहाँ पर आपको एक fx दे रखा है पॉलीनोमियल x क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर
माइनस टू अल्फा एक्स प्लस बीटा, पर आपको कह रहा है कि एक्स प्लस वन इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलीनोमियल, एक्स प्लस टू इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलीनोमियल, तो हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे और मिसिंग वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं एक्स प्लस वन इज़ अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स, तो एफ की वैल्यू क्या होगी, माइनस ऑफ वन, तो यहाँ पर वैल्यू डालेंगे तो माइनस वन का होल क्यूब प्लस थ्री टाइम्स माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस टू इंटू अल्फा माइनस वन प्लस बीटा, और ये इसका फैक्टर हो, दैट मीन इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो आपका बन गया माइनस वन प्लस थ्री प्लस टू अल्फा प्लस बीटा, तो ये आपका बन गया टू अल्फा प्लस बीटा बराबर है माइनस टू के। तो इसको हमने क्या मान लिया, फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड आपको दे रखा है एक्स प्लस टू, तो यहाँ पर आप लिखोगे एक्स प्लस टू इज़ ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स, तो दैट मीन्स एफ ओ माइनस टू आपका क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पर वैल्यू पुट अप करेंगे और माइनस टू का होल क्यूब प्लस थ्री टाइम्स माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस टू माइनस टू अल्फा इंटू माइनस ऑफ टू प्लस बीटा बराबर है जीरो। तो आपका बन गया माइनस एट प्लस ट्वेल्व प्लस टू फोर अल्फा प्लस बीटा बराबर है जीरो। तो आपका बन गया फोर अल्फा प्लस बीटा बराबर है माइनस ऑफ फोर। तो इसको हमने लेट कर लिया सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट को फ्रॉम सेकेंड, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, तो आपका बनेगा फोर अल्फा प्लस बीटा बराबर है माइनस फोर, और टू अल्फा प्लस बीटा बराबर है माइनस ऑफ टू। इसको हम सब्ट्रैक्ट करें तो आपके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, तो ये चीज़ आपकी कैंसिल आउट, तो ये आपका बनेगा टू अल्फा बराबर है माइनस ऑफ टू, तो अल्फा कितना आ गया, माइनस ऑफ वन। अब हम इसको पुट करेंगे इन फर्स्ट इक्वेशन, तो आपका बनेगा माइनस टू प्लस बीटा बराबर है माइनस टू, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, इफ़ एक्स माइनस टू इज़ ए फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टू पॉलीनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इन ईच केस। फर्स्ट पॉलीनोमियल आपको दे रखा है ये, और सपोज हम इसको लेट कर लेते हैं पी ऑफ एक्स, तो आपका बन गया एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस वन, और आपको कह रहा है कि एक्स माइनस टू इज़ ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। दैट मीन्स अगर मैं एक्स वैल्यू टू डालूंगा इस पॉलीनोमियल में, तो ये आपको रिमाइंडर क्या देगा, जीरो देगा। तो हम इसी कंडीशन को यूज़ करके ए की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तो आपका बनेगा टू का क्यूब माइनस टू ए टू का होल स्क्वायर प्लस ए इंटू टू माइनस वन बराबर है जीरो। तो एट माइनस एट ए प्लस टू ए माइनस वन बराबर है जीरो। तो आपका बन गया सेवन माइनस सिक्स ए बराबर है जीरो, तो सिक्स ए बराबर सेवन, तो ए की वैल्यू क्या बन गई, सेवन बाय सिक्स। तो ये हो गया फाइनल आंसर। सेकेंड पार्ट करते हैं, यहाँ पर आपको पॉलीनोमियल दे रखा है ये, तो सबसे पहले हमने इसको लेट किया जी एक्स बराबर है एक्स की पावर फाइव माइनस थ्री एक्स की पावर फोर माइनस ए एक्स क्यूब प्लस थ्री ए एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स प्लस फोर। यहाँ पर आपको बोल रहा है कि एक्स माइनस टू इज़ ए फैक्टर ऑफ जी एक्स, डैट मीन्स अगर मैं एक्स की वैल्यू टू डालूंगा इस पॉलीनोमियल में, तो वैल्यू क्या बनाएगा, जीरो बनाएगा। तो इसी वैल्यू को यहाँ पुट अप करेंगे तो आपका बनेगा टू की पावर फाइव माइनस थ्री टू की पावर फोर माइनस ए टू का क्यूब प्लस थ्री ए इंटू टू का स्क्वायर प्लस टू ए इंटू टू प्लस फोर बराबर है जीरो के। तो ये आपका बन गया थर्टी टू माइनस फोर्टी एट माइनस ऑफ एट ए प्लस ट्वेल्व ए प्लस फोर ए प्लस फोर बराबर है जीरो। तो ये आपका बन गया माइनस ट्वेल्व प्लस एट ए बराबर जीरो के। तो एट ए आपका किसके बराबर आ गया, ट्वेल्व, तो ए आपका बन गया ट्वेल्व बाय एट, डेट इज़ इक्वल टू थ्री बाय टू। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो आज हम इस वीडियो में इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 16 क्वेश्चन को कवर अप कर रहे हैं। जो इसके फर्दर क्वेश्चन है उनकी वीडियो जल्द अपलोड हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और फर्दर सॉल्यूशन देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखें, क्योंकि हम डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं जिनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलती है जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो में।